निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुर के एनाटॉमी विभाग में जैन सोशल ग्रुप जयपुर की ओर से बॉडी डोनेट की गई। बता दें कि 85 वर्षीय यशवंत बुलिया ने मृत्यु से पहले ही बॉडी डोनेट करने की इच्छा जताई थी, जिसके चलते उनके पुत्र रंजन और शरद ने जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से निम्स मेडिकल कॉलेज को देहदान किया। एनाटॉमी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर यूके गुप्ता ने बताया कि जैन सोशल ग्रुप जयपुर हमेशा से ही देहदान में अग्रणी रहता है। उन्होंने अभी तक 9 वर्षों से 103 देहदान किए हैं। वहीं जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष कमल सचेती ने न्यूज इंडिया से विशेष बातचीत में कहा कि हमारा संगठन देहदान प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज को लेकर कर चुका है, जिनमें से निम्स मेडिकल कॉलेज को 9 बॉडी डोनेट की गई हैं, जिन्हें मेडिकल के विद्यार्थियों ने प्रयोग करने के काम में लिया जाएगा। इस अवसर पर निम्स मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा और एनाटॉमी विभाग के सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। यशवंत जी बोलिया के आज प्रातः निधन के पश्चात परिवारजनों के साथ काउंसलिंग की गई और उसका तय किया गया कि इनका देहदान करवाना है, और इनका देहदान निम्स मेडिकल कॉलेज में करवाया गया जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था के द्वारा। ये आज 103वां देहदान है। गत 9 वर्षों से ये संस्था इस कार्य में कर रही है, और हमें बात अच्छी तरह पता है कि यदि मेडिकल के बच्चों को पढ़ाई करनी है, रिसर्च करवानी है, तो देहदान के अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। कई सारे वैकल्पिक व्यवस्थाएं हुई है, लेकिन जो वास्तव में देहदान के बिना बच्चों को हम तैयार करना चाहते हैं, रिसर्च करवाना चाहते हैं, तो शायद इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है। इसी ध्येय को साथ ध्यान में रखते हुए संस्था जीते जी रक्तदान, मृत्युपरांत नेत्रदान, मृत्युपरांत देहदान, मृत्युपरांत त्वचा दान के कार्य को हाथ में लेकर कार्य कर रही है।